तो हमारी जो है फर्स्ट यूनिट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली यूनिट है मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की होती क्या है? तो कंप्यूटर में कई तरीके की मेमोरीज होती हैं। रजिस्टर हो गई, कैश हो गई, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो इनको जो है किसी ना किसी ऑर्डर में रखना, यही हमारी मेमोरी हायरार्की कहलाती है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 लेवल्स हैं इसके, मेमोरी हायरार्की के 5 लेवल्स, और वो सारे के सारे लेवल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो फर्स्ट लेवल पे रहते हैं रजिस्टर्स, सेकंड पे रहते हैं कैश, थर्ड पे मेन मेमोरी, फोर्थ पे मैग्नेटिक डिस्क और फिफ्थ पे मैग्नेटिक टेप। जैसे जैसे हम इस मेमोरी हायरार्की में नीचे की तरफ को जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक्सेस टाइम जो है बढ़ता जाता है। मतलब ये जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है, यहाँ एक्सेस टाइम हमारा सबसे कम रहता है। और ये जो है यहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो ये जो है सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। फ्रिक्वेंसी कि हम किसको सबसे ज़्यादा बार एक्सेस करते हैं, तो रजिस्टर्स को हम सबसे ज़्यादा बार एक्सेस करते हैं और मैग्नेटिक टेप को हम सबसे कम बार। ओके, साइज़ रजिस्टर का बहुत छोटा होता है जबकि मैग्नेटिक टेप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं बड़े साइज़ में। अब तो मैग्नेटिक टेप नहीं चलते हैं, तो यहाँ अब तो हार्ड डिस्क वगैरह चल गई हैं। तो जो ये कोर्स है वो पुराना है, जैसा हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो मेमोरी हायरार्की आप किसी बुक में देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक टेप लिखा मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट क्या भाई? भले ही साइज़ जो है रजिस्टर का सबसे छोटा है, लेकिन कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। यहाँ रजिस्टर जो होंगे वो जो है करीब 1000 का अगर मिल रहा है, तो 1000 में आपको क्या मिल रहा है? आपको 4 MB मिल रहा है, ठीक है, 4 KB मिल रहा है सॉरी। और यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क वगैरह वो आपको 4000 रुपये में पूरी 1 TB मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का 1 KB मिल रहा है, 4 KB मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भले ही साइज़ छोटा है लेकिन प्राइस जो है इसका बहुत ज़्यादा है। ओके, हम देखेंगे कि आखिर मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके गोल्स हैं कुछ कि किन चीज़ों को ये ज़रूर सेटिस्फाई करेगी। तो मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम स्पीड मिसमैच को कम कर सकें। ओके, तो हम अलग अलग लेवल्स पे हमने रख रखा है, तो हमें इससे क्या है पता चल रहा है कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड का है, कौन सबसे कम स्पीड का है, तो हम उस समय पे क्या इस्तेमाल करें। और सेकंड गोल है कि हम मिनिमाइज़ कैसे करें एक्सेस टाइम को। ओके, तो अगर हमें सबसे कम करना है एक्सेस टाइम, तो हम जो है रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं हमारे हमें अगर जो है स्पीड की नहीं चिंता करनी है, हमें डेटा स्टोरेज चाहिए, तो हम जो है मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये जो 2 गोल्स हैं इसके, पहला है स्पीड जो है स्पीड मिसमैच को कम करना, और दूसरा गोल है एक्सेस टाइम को हमारा कम करना। ओके, तो ये 2 बेसिक गोल्स हैं इसके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्कल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले देख लेते हैं साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ CPU है और मेरे को जो है मेमोरी लेवल्स को एक्सेस करना है, तो साइमल्टेनियस में क्या होगा? मान लीजिए अगर ये लेवल्स हैं मेरे पास, ओके, तो L1 से LN तक मेरे पास लेवल्स हैं, तो साइमल्टेनियस में ये एक साथ इन सभी लेवल्स को एक्सेस कर सकता है, एक टाइम में ये सारे लेवल्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइमल्टेनियस। अब इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे CPU जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ऑल लेवल्स ऑफ मेमोरी। ओके, सेकेंड है CPU एक्सेसेस द डेटा फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ मेमोरी साइमल्टेनियसली, एक्सेस डेटा
फ्रॉम ऑल लेवल्स साइमल्टेनियसली। ओके, थर्ड पॉइंट है, अगर L1 में मेरे मिस हो जाता है, ओके मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर मेरे यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है वो मिस हो जाता है, तो ये CPU डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मिस होता है तो CPU डायरेक्टली L3 अगर होगा तो उसे एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यही पॉइंट है, फॉर एनी मिस encountered in L1 memory CPU can directly access डेटा फ्रॉम हायर लेवल हायर मेमोरी लेवल्स। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं हायरार्किकल क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास ये CPU है, तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये L1 पे जाएगा, और अगर इसे L1 पे नहीं मिलता है तभी ये L2 पे जाएगा। L2 पे नहीं मिलता है तो ये आगे चलता चला जाएगा और आखिर में जाके LN पे पहुँचेगा। ओके, तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हमने देखा था कि एक साथ जो है CPU सबको एक्सेस कर रहा था, ठीक है, एक साथ वो सबको एक्सेस कर रहा था। लेकिन हायरार्किकल में क्या है, हायरार्किकल में वो पहले जाएगा L1 पे, फिर L2 पे, फिर डॉट डॉट, फिर जाके आखिर में पहुंचेगा। ओके, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, CPU इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू L1, कि L1 से तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ओके, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एनी मिस एनकाउंटर्ड इन L1 CPU cannot directly access data from higher memory levels. That is L2, L3, LN. First, the desired data will be transferred
फ्रॉम हायर मेमोरी लेवल टू L1। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सेस होगा। अब हम पढ़ेंगे टू लेवल मेमोरी एक्सेस। तो नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं टू लेवल मेमोरी सिस्टम में, हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस हायरार्कल एक्सेस कैसे होता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे टू लेवल मेमोरी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो लेवल्स हैं मेमोरी की, L1 और L2। अभी हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस की। ओके, तो अगर मेरे पास CPU है, साइमल्टेनियस इसका मतलब वो दोनों को एक साथ एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यहाँ एक्सेस करने का टाइम मैंने मान लिया T1 है, इसका साइज जो है वो S1 है, और इसमें हिट रेशियो जो है वो H1 है। हिट रेशियो का मतलब ये है कि यहाँ कितना परसेंटेज जो है वो चांस है मेरा कि यहाँ पे मुझे डेटा जो है मिल जाएगा। ओके, यहाँ मैंने टाइम मान लिया T2, साइज़ का S2, और यहाँ हिट रेशियो H2। ओके, तब तो वो टी एवरेज क्या हो जाएगा, जो मेरे को एवरेज टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे L1 में कि मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब तो एक्सेस तो सबको एक साथ कर रहे हैं, पर इसमें अगर मिलता है तो ये L1 पे है, इसलिए तो H1 × T1 कि इसमें कितना चांस है मिलने का, प्लस मल्टीप्लाई इसमें टाइम कितना लग रहा है। ओके, प्लस 1 − H1, अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम T2 पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, वो भी डायरेक्टली। तो ये हो गया मेरा साइमल्टेनियस में। और वही बात अगर हायरार्कल की करी जाए तो हायरार्कल में क्या होता है, तो हायरार्कल में क्या होता कि अगर मेरे पास CPU है और यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, तो ये पहले यहाँ जाता, यहाँ नहीं मिलता तो ये यहाँ जाता। ओके, वही मैंने लिया टाइम, यहाँ पे T1 लग रहा है, साइज़ का S1 है, और हिट रेशियो का H1 है। यहाँ पे टाइम T2, साइज S2, और हिट रेशियो जो है H2 है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं हायरार्किकल के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे टाइम कितना लगेगा, H1, यहाँ पे हिट रेशियो कितना है H1, मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, प्लस अगर यहाँ पे नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिला तो हम यहाँ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे जाने तक का टाइम जो था वो उसमें T1 पहले हमने ढूंढा था, फिर हम T2 टाइम ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल के केस में टी एवरेज। ओके, बाकी अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे कॉस्ट पर बिट जो है वो C1 है और यहाँ पे कॉस्ट पर बिट जो है वो C2 है, हर बिट की कितनी कॉस्ट है। ओके, तो ये C1 C2 है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी इस पूरे मेमोरी सिस्टम को एक्सेस करने में वो हमारी कितनी आएगी, तो ये भी क्या है कॉस्ट पर बिट। ओके, वो भी इसमें आएगी, तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट पर बिट ऑफ L1, ये कॉस्ट पर बिट है और कितनी बिट्स हैं वो इसके साइज़ बताएगा, प्लस इसकी कॉस्ट पर बिट कितनी है C2, इसका साइज़ कितना है S2, अपॉन
दोनों का साइज। ओके, यहाँ पे भी अगर कॉस्ट यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे भी सी एवरेज जो हो गया, ये भी कॉस्ट पर बिट हो गई C1 S1 plus C2 S2 upon S1 plus S2। ओके, सिमिलरली हम 3 लेवल की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मेरे पास 3 लेवल्स हैं, तो अभी पहले बात करते हैं साइमल्टेनियस एक्सिस की। तो CPU जो होगा वो एक बार में सबको एक्सेस कर पाएगा। यहाँ मैंने टाइम T1, साइज़ S1, कॉस्ट C1 और हिट रेशियो H1, ऐसे ही टाइम T2, साइज़ S2, कॉस्ट C2 और हिट रेशियो H2। यहाँ टाइम T3, साइज़ S3, कॉस्ट C3 और हिट रेशियो H3। ओके, तो ये साइमल्टेनियस एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, हो जाएगा H1 यहाँ पे इंटू इसका टाइम प्लस 1 माइनस H1 यानी मिलता है। तो हम T2 पे जाएंगे, यहाँ पे L2 पे, और इसका हिट कितना है, H2 इंटू H2 इंटू इसका टाइम प्लस, यहाँ नहीं मिला तो 1 माइनस H1 यहाँ पे मिस हुआ था, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पे 1 माइनस H2 ये मिस हुआ था। ओके, मल्टीप्लाई T3, वन माइनस एच टू इंटू T3। ओके, तो ये हमारा हो गया एवरेज टाइम इसको एक्सेस करने का। वहीं अगर कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट पर बिट जो होगी साइमल्टेनियस एक्सेस में वो कितनी हो जाएगी, C1 जो कि L1 की कॉस्ट थी, इंटू साइज ऑफ L1 प्लस C2 इंटू S2 प्लस C3 इंटू S3 अपॉन तीनों का साइज। ओके, तो ये हो गई कॉस्ट पर बिट। अब बात करते हैं 3 लेवल ऑफ मेमोरी में हायरार्किकल एक्सेस की। तो अगर CPU एक्सेस करना चाहता है तो पहले वो L1 पे जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो L2 पे, यहाँ नहीं मिलेगा तो L3 पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है, टाइम यहाँ पे T1, साइज़ S1, कॉस्ट C1 और हिट रेशियो H1, टाइम T2, साइज़ S2, कॉस्ट C2 और हिट रेशियो H2, टाइम T3, साइज़ S3, कॉस्ट C3 और हिट रेशियो H3। ओके, तो यहाँ पे मेरा T एवरेज कितना आएगा, एवरेज टाइम जो उसको एक्सेस करने में लग रहा है। तो पहले हम गए हैं L1 पे, तो H1 इंटू L इंटू T1। ओके, प्लस यहाँ नहीं मिला तो हम गए हैं, यहाँ पे अगर डाटा नहीं मिल रहा है हम सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, तो 1 माइनस H1 इंटू हिट रेशियो ऑफ L2, हिट रेशियो ऑफ L2 इंटू टाइम जो है वो क्या लग रहा है, पहले हम गए थे L1 पे तो उसका टाइम था T1 प्लस, अब आप आए हैं L2 पे, तो T1 प्लस T2 टाइम जो है टोटल लगा है अगर हम सेकेंड लेवल से एक्सेस कर रहे हैं तो, प्लस
अगर सेकंड लेवल पे भी नहीं मिलता है तो हमें थर्ड लेवल पे जाना पड़ेगा, तो 1-H1, क्योंकि हमें फर्स्ट लेवल पे नहीं मिला था, सेकंड लेवल पे भी डाटा नहीं मिला था, तो 1-H2। और थर्ड लेवल पे आते आते हमारा टाइम कितना हो गया, T1+T2 और फिर T3 टाइम लग रहा है, तो T1+T2+T3। ओके, तो ये जो है वो हमारा टोटल टोटल टाइम लग रहा है। ओके, वही बात करें कॉस्ट पर बिट की हायरिकल मेमोरी एक्सेस में, तो वो सेम है, C1 कॉस्ट ऑफ L1, ये कॉस्ट पर बिट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटू साइज़ ऑफ L1 प्लस कॉस्ट ऑफ L2 इंटू साइज़ ऑफ L2 प्लस कॉस्ट ऑफ L3 इंटू साइज़ ऑफ L3 अपॉन तीनों का साइज़ का एडिशन। ओके, तो ये हो गया इसकी कॉस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2004 में पूछा गया है। यहाँ क्या दे रखा है, कंसिडर ए सिस्टम विद टू लेवल। ओके, तो ये टू लेवल का सिस्टम है। एक्सेस टाइम L1 का कितना है, मतलब जैसे हम T1 कहेंगे वो है हमारा 1 नैनो सेकेंड, और L2 का 10 नैनो सेकेंड। और यहाँ पे जो मेन मेमोरी है उसका टाइम जो है वो हम T3 कंसिडर करेंगे और वो है 500 नैनो सेकेंड। ओके, हिट रेट कितना है L1 का, 0.8, और L2 का है 0.9। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेस टाइम। ओके, एवरेज एक्सेस टाइम पूछा है, और हमें ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे जो है हायरिकल एक्सेस है कि साइमल्टेनियस एक्सेस है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर करके चलते हैं कि हमें हायरिकल एक्सेस करना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर हमें कुछ भी नहीं बताया गया तो हम क्या करेंगे, हायरिकल एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हायरिकल एक्सेस से करते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे टी एवरेज निकालें तो हायरिकल एक्सेस से क्या होता है, होता है T1 प्लस, अगर हमें यहाँ नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं, सॉरी, H1 इंटू T1 प्लस, अगर नहीं हमें डाटा मिलता है तो 1-H1 इंटू H2 इंटू T2 प्लस, अगर डाटा नहीं मिलता है तो 1-H1 H2, यहाँ पे T2+T1 होता है हायरिकल में, 1-H2 और यहाँ पे T1+T2+T3। ओके, तो ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे T1 जो है, H1 जो है 0.8 है, T1 जो है 1 है, 1-H1 मतलब 1-0.8 0.2, H2 0.9, T1+T2 मतलब 10 प्लस 1 11 प्लस 1-H1 0.2, 1-H2 0.1 और T1+T2+T3 500 511। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.8 प्लस 1.98 प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 511, तो जाएगा 10.22। ओके, और इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 10.22 प्लस
1.98 प्लस 0.8, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 13। ओके, ये ऐड करने के बाद हमारा 13 आंसर आ रहा है। तो हायर के एक्सेस से करने पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारा आंसर ए आ रहा है 13। ओके, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार साइमल्टेनियस एक्सेस से भी करके देखेंगे। तो अगर मैं साइमल्टेनियस एक्सेस का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो साइमल्टेनियस में हमें टी एवरेज कैसे निकालते हैं, एच वन इंटू टी वन प्लस वन माइनस एच वन एच टू। यहाँ पे टी वन प्लस टी टू नहीं होता, यहाँ डायरेक्टली हम टी टू पर जा रहे होते हैं, इसलिए टी टू प्लस वन माइनस एच वन वन माइनस एच टू इंटू टी थ्री। ओके, तो एच वन है हमारा 0.8, टी वन हमारा 1, 0.2 इंटू एच टू कितना है 0.9, टी टू कितना है 10 प्लस 0.2 इंटू 0.1 इंटू 500। ओके, तो ये आ रहा है 0.8 प्लस 1.8 प्लस 10, ये आ रहा है 11.8 एंड 12.6। ओके, तो 12.6 आ रहा है अगर हम साइमल्टेनियस एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन 3C होता अगर यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्सेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम हायरार्किकल एक्सेस से करेंगे और हमारा ऑप्शन जो है वो ये रहेगा यहाँ पे। ओके,